मेरा नाम डॉक्टर शिवांगी है, सबको पता चल ही गया। डेंटल सर्जन बाय प्रोफेशन, लेकिन पैशनेटली कुछ ऐसे चीजें आई लाइफ में जिसके करके मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ आप लोगों के सामने, उन्हीं के बारे में बात करेंगे आज। हेल्थ वैसे तो एक बहुत कॉमन टॉपिक है, इसमें हमें जेंडर बेस नहीं करना चाहिए, लेकिन विमेन हेल्थ, या चलो शुरू करते हैं विमेन एम्पावरमेंट से, क्योंकि एम्पावरमेंट सेल्फ है, तो क्या मैं इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव कर सकते, विमेन्स डे है कल, थोड़ा कुछ जोर डाले दिमाग को, क्या है सशक्तिकरण, हिंदी शब्द है इसका एम्पावरमेंट जी। एनीवन गाइस, व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट फॉर यू? तुम्हारे घर में तुम्हारी माएं हैं, तुम्हारी बहनें हैं, तुम खुद हो, तुम खुद भी वहीं से निकले हो, तो क्या है इक्वल ट्रीटमेंट? यस यस, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी, वंडरफुल, अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज देयर राइट्स, देयर राइट्स, ओके वंडरफुल, थैंक यू। तो आगे बढ़ाते हैं सशक्तिकरण। कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी कहानी से जोड़ू इस शब्द को, तो बचपन से ही मुझे अपनी मम्मा से, जो कि बॉटनिस्ट हैं, उनसे सुनने को मिलता था कि जल्दी से पढ़ लिख जाओ तो तुम एम्पावर हो जाओगी, है ना। मैंने बहुत अलग अलग लेवल्स पे अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज किए हैं, बेटा तुम पढ़ लोगी ना तो तुम्हें शायद कॉम्प्रोमाइज ना करने पड़े। तो ठीक है जी, पढ़ाई करें, आगे बढ़े, कॉलेज में पहुंचे, वहां जाके पता लगा कि कोई अच्छी नौकरी जब हाथ में आती है तो हम सशक्त हो जाते हैं, एम्पावर्ड फील करते हैं, क्योंकि केवल पढ़ाई से एम्पावरमेंट ज्यादा फील नहीं हो रही थी मुझे। तो ठीक है, यूपीएससी क्रैक किया 2010 में, गवर्नमेंट जॉब मिली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आई, बहुत अच्छी सैलरी हर महीने के अंत में आ जाती है मेरे पास अकाउंट में। तब भी कहीं एम्पावरमेंट लैकिंग थी, सशक्तिकरण लैकिंग था। एंड 2012 में बहुत ही अच्छे आदमी के साथ शादी हुई, बहुत प्यारा सा बेटा हुआ मेरा पहला। तब भी कहीं ना कहीं सशक्तिकरण वाली जो बात थी अभी भी लैकिंग थी। तुम बोलोगे यार अजीब है जो हम चीजें सोच रहे हैं अभी से, क्योंकि तुम इस फेज में हो लाइफ के, जो तुम सोच रही हो वो मैं कर चुकी हूं, है ना। एक अच्छी जॉब, एक अच्छा करियर, नेम, फेम, वो सब कुछ हो रहा है साथ साथ, लेकिन सशक्तिकरण कब आया? देन इन 2014 आफ्टर द बर्थ ऑफ माई फर्स्ट सन, वो 21 दिन का था सिर्फ, जब मुझे अपना पहला पैनिक अटैक हुआ। पैनिक अटैक यहां पर तो काफी डॉक्टर्स हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए पैनिक अटैक बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मुझे जिस तरह का एक बहुत ही अजब किस्म का एक एंग्जाइटी अटैक होता है, या कह लीजिए कि आप, मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाती थी, रोती थी, चीखती थी, एंड उस दौरान मुझे कॉन्शियसनेस नहीं होती थी कि मैं क्या कर रही हूं, क्या चीज ट्रिगर कर देगी इस अटैक को, एंड उस दौरान मैं लोगों को हर्ट करती थी, खुद को हर्ट करती थी, एंड फिर कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाती थी। 15-20 मिनट बाद मुझे जब होश आता था तो मैं देखती थी चारों तरफ कि क्या क्या मैंने डेवेस्टेशन करा है अपने अटैक के दौरान, और मैंने अपने पहले अटैक में अपने बच्चे को हर्ट कर दिया था खुद, 21 साल का छोटा सा बेबी, उसको यहां से लीड हो रहा था, जो कि मुझे याद नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ किया है। हम लोग सशक्तिकरण की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कि जरूरी हैं, बहुत जरूरी है ग्राउंड लेवल पे, फिजिकल लेवल पे सशक्तिकरण लाना, क्योंकि जो लोग उस लेवल पे होते हैं उन्हें लगता है कि इनके पास क्या कारण है कि ये लोग इस तरीके से अपनी लाइफ को खराब करें। हम जैसों के लिए सोचते हैं ना, जो हम लोअर दर्जे पे होते हैं या छोटे तबके पे होते हैं, वो ऐसे सोचते हैं ऊपर देख के कि इनके पास तो सब कुछ है, इनके पास क्या कारण है कि अपनी लाइफ को इतना खराब कर ले। कारण है, कारण होता है, वी रैंक वन, इंडियन विमेन वी रैंक वन इन केस ऑफ मेंटल एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड। मानसिक त्रुटियों में हमारा रैंक वन है। ये बात मुझे तब पता चली जब मैं खुद एक मानसिक बीमारी का शिकार हो चुकी थी, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के। व्हाई डिड इट हैपन टू मी, आई नेवर न्यू इट। पैनिक अटैक्स के लिए लोगों के पास कारण होते हैं, उनको दहेज के लिए बोला जाता है, उनका हस्बैंड गलत होता है, कई बार लेडी खुद बहुत अलग अलग तरीके के सर्कमस्टांसेस गुजर चुकी होती है। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, स्टिल आई वाज अ पैनिक अटैक पेशेंट। व्हाई?
आई नीडेड टू फाइंड आउट. तो आगे थोड़ी जर्नी मुझे बोला गया कि तुम अपने सपनों का पिटारा खोलो दोबारा से, शायद तुम मानसिक तौर पे सशक्त, दोबारा से वही शब्द आके खड़ा हो गया मेरे सामने, एम्पावर्ड फील करोगे शायद. तो मैंने सपनों का पिटारा खोला, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफी लंबी हूं मैं. तो सब लोगों ने कहा भाई तुम्हें मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए. बचपन से यही सुनती थी, सुष्मिता सेन को देखती थी, ऐश्वर्या राय बच्चन को देखा कि कैसे कितने सुंदरता से क्राउन मिलता है, ब्यूटी क्वीन कहलाती हैं. तो शायद अपनी कोई पहचान नहीं देनी पड़ती है ना. ये हमारा एक कहीं ना कहीं अनसेट एम्बिशियस जो हमारी यूथ है, एक अनसेट सा मोटिव नहीं होता कि किसी को आगे जाके हेलो ऐसे करके अपना नाम ना बताना पड़े, पहले ही उनको पता हो कि हम कौन है. सो एंड सो इज कमिंग. नहीं, कौन नहीं चाहता कि ऐसा हो उसके साथ लाइफ, शायद ही कोई का दुखा. तो मैंने सोचा चलो पेजेंट्री में कदम रखते हैं. 2014 में पेजेंट्री में कदम रखा, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2014 जीता. एम्पावरमेंट आई नहीं, अभी भी नहीं आई है. अच्छा, धीरे धीरे करके आगे पेजेंट्री में घुसी, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, मिसेस हेरिटेज वर्ल्ड जीता, फेमिना ऑफिशियली गॉर्जियस, पहली बार फेमिना ने किसी शादीशुदा औरत को ताज दिया था अपना. तो काफी कुछ हुआ, लेकिन फिर भी एक चीज बस समझ में आई कि कहीं ना कहीं अंदर का हॉलोड आउट एटीट्यूड है ना हमारा, जो हम हर चीज को बड़ा कैजुअली ले लेते हैं. ब्यूटी, ब्यूटी मतलब लंबाई, ब्यूटी मतलब फेयरनेस, ब्यूटी मतलब ये, ब्यूटी मतलब वो. बहुत सारी चीजों में हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि ये इस चीज का मायना ये है, इस चीज का मायना ये है. अगर तुम सक्सेसफुल हो तो तुम्हें इस तरह से ड्रेसअप होना पड़ेगा, अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हें इस तरह से अपने एटीट्यूड को, रवैये को चेंज करना पड़ेगा. इसलिए ज्यादातर औरतें आजकल मैं देखती हूँ स्माइल नहीं करती है, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी पावरफुल. नहीं, पावरफुल कैसे होते हैं? सशक्त कैसे महसूस करते हैं? Hey you, sit. This is the meaning of empowerment. था मेरा लाइफ में रादर 95% जनता का वही हॉलोड आउट एटीट्यूड रहता है. हम लोग क्वेश्चन नहीं करते अपने आप से, हम लोग देखते नहीं है कि हम किस रास्ते पे अंधा धुंध बड़े चले जा रहे हैं. बस पैसा कमाना, बच्चे पालना, शादी करनी, एक अच्छा करियर, फेम कमाना और फिर मर जाना. एक क्वेश्चन सब आंसर करेंगे, ठीक है? तो एक हल्की सी छोटी सी एक्टिविटी, इफ द मॉडरेटर अलाउज. तो ये एक्टिविटी है 5 questions की, एंड 5 questions का आप लोग जो भी जवाब सोचते हैं इंस्टेंटली देंगे, एक साथ देंगे. थोड़ा मच्छी मार्केट टाइप बनेगा, लेकिन इट्स ओके, ठीक है? करेंगे. हु आर यू? अगर कोई पूछे हु एम आई, कभी पूछा है हु एम आई? ह्यूमन, अपना नाम ही ले लो यार, छोड़ो बाकी सब, ठीक है? हाँ, व्हाट डू यू डू? गुड, 1 chorus, नाइस. फॉर होम डू यू डू व्हाट यू डू? दैट्स इट. यू स्टडी फॉर योरसेल्फ, सॉरी, मनी एंड पेरेंट्स. किसी ने बोला पेरेंट्स, हाँ, पावर एंड सोसाइटी. जो तुम लोगों ने इतनी स्ट्रांगली बोला पॉइंट नंबर 2 पे, वो पॉइंट नंबर 3 में पता ही नहीं है उधर क्यों रहे हैं, नहीं? क्यों कर रहे हैं हम? अभी इसके अंदर मैं थोड़ा और घुस जाऊंगी, तुम इस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में क्यों घुसे हो, तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी. घुसना था कि नहीं घुसना था? मुझे देखो, मुझे पर्सनली डेंटिस्ट्री में नहीं घुसना था, एमबीबीएस में मिला नहीं एडमिशन मैम, बहुत टफ था, तो दूसरा नंबर का स्लॉट था. देखो डेंटिस्ट्री, तीसरा नंबर मैंने बाकी सब चीजों को साइड में कर दिया था. फिर मैंने सोचा था हाँ मैं डीयू में ना बॉटनी या जूलॉजी का, तो डेंटिस्ट्री में घुसना नहीं था, लेकिन घुस गई थी. चलो हम तीसरे क्वेश्चन पे थे, राइट? तो तीसरा क्वेश्चन, फॉर हूम वी आर डूइंग दिस?
राइट्स, राइट। चलिए अगर हम लोग लेके चलते हैं फॉर माई सेल्फ, आप लोगों ने कहा, किसी ने कहा माई पेरेंट्स, है ना, जिनके लिए तुम ये काम कर रही हो, चाहे वो तुम खुद हो, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कर रही हो, तुम किसी भी अन्य रीजन के लिए, वो लोग क्या चाहते हैं? जिनके लिए तुम काम कर रही हो वो लोग क्या चाहते हैं? बेटर लाइफ, योर हैप्पीनेस, योर सक्सेस, तुम्हें खुश देखना, हेल्दी देखना, हाँ, तुम खुद क्या चाहती हो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, क्या तुम उन्हें सही मायने में वो दे रही हो जो वो चाहते हैं, या तुम कोई बदलाव क्रिएट कर रही हो या कर रहे हो? तुम लोग जो काम तुम कर रहे हो उससे तुम बदलाव क्रिएट कर पा रहे हो या नहीं? यस, हाउ, हाउ आर यू क्रिएटिंग अ चेंज? प्लीज। So I am from a very orthodox kind of family. Wonderful. Even I am. Wonderful. Yes. My family never allowed a girl to study in college and all, studying after schooling. So I am the first generation who is studying in college. Wonderful. A clap of hands. Wonderful. What's your name? Asha. Aksa. Wonderful, Aksa. Any more changes do we have? Please sit up, sir. Anyone creating any other change with whatever you are doing right now? Dekho, केवल पढ़ाई पढ़ाई की वजह से नहीं, पढ़ाई तब पढ़ाई होती है जब हम उसे एक वेपन की तरह यूज करते हैं टू क्रिएट अ चेंज। लिटरेट हो जाते हैं, आजकल बहुत सारी चीजें हैं लिटरेसी हासिल करने के लिए, स्पेशली डिजिटल इंडिया में, लेकिन एजुकेशन सही मायने में, जैसे कि अलीशा ने मुझे बताया था, एजुकेशन सही मायने में तभी एजुकेशन है जब हम उसका यूज करते हैं बदलाव लाने में। और जब हम लोग यूज नहीं करते ना अपनी एजुकेशन, तो वो पायलॉन होती जाती है हमारी बॉडीज में, हमारे दिमाग में, और फिर बहुत बड़ा विस्फोट होता है, चाहे वो पैनिक अटैक्स के रूप में हो, चाहे वो अलग अलग बीमारियों के रूप में हो, कैंसर के रूप में हो, बहुत सारी चीजें। शायद आप में से कुछ लोग जो कंप्लीटली 5 sensory grounds के ऊपर बिलीव रखते हैं, 6 sense स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं रखते हैं, वो लोग शायद अभी डिसएग्री करें, लेकिन आई एम टेलिंग यू, द मोमेंट यू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ, द मोमेंट यू सी व्हाट चेंज यू आर क्रिएटिंग बाय यूजिंग व्हाट यू नो, इको पढ़ो, बॉटनी पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लो लाइफ के, लेकिन उनको तुम यूज कैसे कर रहे हो आगे चेंज लाने में? जब मुझे ये बात का पता चला ना, मेरे पैनिक अटैक्स बिना किसी दवाई के ठीक हो गए। इट्स नॉट मिराक्युलस, इट्स अ कॉमन लॉजिक। वट एवर कीप्स ऑन एग्रीगेटिंग एंड वट एवर कीप्स ऑन पाइलिंग अप इन आवर सिस्टम्स, सब कुछ यहां से शुरू होता है, हर बीमारी यहां से शुरू होती है, चाहे वो मानसिक बीमारी हो, चाहे वो फिजिकल बीमारी हो, हर चीज यहां से शुरू होती है। यहां से जब हम लोग सॉर्ट आउट होने लगते हैं और अपने आप को किसी ना किसी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन पे बेस कर लेते हैं अदर देन फूड, खाना तो हर कोई खा रहा है, जानवर भी खा रहे हैं, लेकिन जब तुम बदलाव में अपने आप को कार्यरत कर लोगे, जिस दिन स्पेशली विमेन, 2 minutes, जस्ट 2 minutes, उस दिन तुम लोग हर तरीके की बंदिश से बाहर निकल जाओगे, स्पेशली विमेन, right? And we women have the power in our hands. We can change anything because you are the mother, right? You are the creator. So just bring about that change. Yeah? Thank you so much.